एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक्स को समझेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह से हम अलग अलग टेक्निक से आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं. सो आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक क्या होती है? आर्ग्यूमेंट पासिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन द कॉलिंग फंक्शन एंड द कॉल्ड फंक्शन. कॉलिंग फंक्शन का मतलब हम यहाँ पे मेन की बात कर रहे हैं एंड द कॉल्ड फंक्शन मतलब हम यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी की बात कर रहे हैं. सो आर्ग्यूमेंट पासिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉलिंग फंक्शन मतलब हम मेन से फंक्शन की बॉडी में कुछ वैल्यूज को सेंड करते हैं. आर्ग्यूमेंट पास करने के टू वेज होते हैं. आर्ग्यूमेंट पास करने के टू वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट टेक्निक को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड टेक्निक को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस. सबसे पहले हम पहली टेक्निक देखेंगे, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है. सो कॉल बाय वैल्यू के अंदर, इस मेथड के अंदर, व्हेन आर्ग्यूमेंट पास्ड बाय वैल्यू देन अ कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज मेड and pass to the newly created formal arguments in the called function. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेक्शन है और उस सेक्शन का नेम आपने रखा है मेन, राइट? आपने एक मेन प्रोग्राम बनाया और उस मेन प्रोग्राम से आपने कुछ वैल्यू को सेंड किया. जो भी प्रोग्राम आप मेन से आप फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी वैल्यू आप सेंड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे. तो इस आर्ग्यूमेंट को जब आप सेंड करेंगे फंक्शन की बॉडी को, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी और उस कॉपी को फंक्शन अंडरस्टैंड कर पाएगा. जो भी आर्ग्यूमेंट आप मेन के अंदर लिखेंगे उसे हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप फंक्शन की बॉडी में सेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से. देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करवाना चाहती हूँ. उसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है स्वैप, और ये स्वैप फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये इंट एक्स एंड इंट वाई. इट मीन्स ये कुछ वैल्यूज को रिसीव करेगा मेन से, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवाया जा रहा है. हम फंक्शन को कॉल कहाँ पे करवा रहे हैं, हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं. पर यहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल करवाया है तो इसमें वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं ए एंड बी. ए और बी की वैल्यू हमने मेन के अंदर यूजर से ले ली है और हम ये ए और बी की वैल्यू को सेंड कर रहे हैं फंक्शन की बॉडी को. सो ए की कॉपी किस में चली जाएगी, एक्स के अंदर, और बी की कॉपी किस में चली जाएगी, वाई के अंदर. इसका मतलब जो वेरिएबल्स हमने मेन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं उनका नाम है ए और बी, और जब हमने उनको सेंड किया है तो नेम हमने चेंज कर दिया है एक्स एंड वाई. तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या है, ए और बी की कॉपी है. ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ए और बी है, और ए और बी की कॉपी कौन है, ए और बी की कॉपी है एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू रिसीव होगी तो हमने यहाँ पे एक जेड वेरिएबल लिया है. जेड वेरिएबल की हेल्प से हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करवाया है. सबसे पहले एक्स की वैल्यू को जेड के अंदर स्टोर करवा दिया, उसके बाद y की वैल्यू को x के अंदर स्टोर करवाया. ओरिजिनल वैल्यू हमारी x की y z के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम लास्ट में y के अंदर z की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे. इससे क्या होगा, x और y की वैल्यू स्वैप हो जाएगी और फिर हम उनको प्रिंट करवा देंगे. प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब हम वैल्यू को ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे a की वैल्यू को ले लिया है 10 और b की वैल्यू को हमने ले लिया है 20. तो जब हमने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल नहीं करवाया तो उसके अंदर जब हम लिख रहे हैं बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है ए की 10 और बी की 20. जैसे ही हमने फंक्शन को स्वैप करवा दिया, यहाँ पे फंक्शन स्वैप को यहाँ पे कॉल करवाया, तो स्वैपिंग फंक्शन की हेल्प से हमारे वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है ए की 20 और बी की 10. और जैसे ही हमने फंक्शन की कॉलिंग को ख़त्म करवाया और उसके बाद ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंट नहीं हुए थे, वो तो टेम्परेरी हुए थे. ए और बी की वैल्यू को जब हम दोबारा से प्रिंट कराएंगे तो ये फिर से क्या प्रिंट होगा, 10 एंड 20. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ए और बी की कॉपी को सेंड किया था. हमारे पास जब ए और बी के अंदर 10 और 20 की वैल्यू थी वो एक्स और वाई के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, बट वो एक्स और वाई के अंदर ही चेंज हुई है, ए और बी के अंदर वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुए. तो देखिए, एक्स और वाई को हम क्या मान के चल रहे हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और ए और बी को हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स.
तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का भेजा हुआ डेटा जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जाता है तो वो परमानेंट चेंजेस नहीं करता है अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज को सेंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या सेंड कर रहे हैं, वैल्यूज को सेंड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि जब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी मेमोरी में एक बॉक्स बना है ए और एक बना है बी, दोनों के अंदर डेटा स्टोर हुआ और हमने ए और बी की कॉपी को एक्स और वाई के अंदर स्टोर करवाया। जब हमने एक्स और वाई के अंदर डेटा स्टोर करवाया तो स्वैपिंग तो एक्स और वाई में हुई है, तो वो ए और बी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का स्कोप कितना होता है, जब तक फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होती है तब तक ही वो चेंजेस हमें नज़र आते हैं। जैसे ही फंक्शन की बॉडी हमारी वर्क करना बंद कर देती है तो ओरिजिनल जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हमें चेंजेस नज़र नहीं आते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं द चेंजेस मेड इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर लोकल टू द ब्लॉक विच आर लॉस्ट वंस द कंट्रोल इज रिटर्न्ड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कि जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं और फंक्शन को कॉल कराने के बाद जब फंक्शन की बॉडी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जब कंट्रोल वापस से लौट के मेन के पास आता है और उसके बाद हम जब चेंजेस को चेक करते हैं तो वो चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि हमने वैल्यूज को डायरेक्टली सेंड किया है। जब हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली सेंड करते हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी बना के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर सेंड करते हैं और वैल्यू सेंड करते हैं तो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो लोकल होते हैं, परमानेंट नहीं हो पाते हैं। आई थिंक आपको ये कॉल बाय वैल्यू का जो टेक्निक है वो समझ में आ गया होगा। बट ये समझने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये चेंजेस तो लोकल हैं, परमानेंट चेंजेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर हम फंक्शन को स्वैप करवा रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास परमानेंट चेंजेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर आप परमानेंट चेंजेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। और कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक हम करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।